इस बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे SSMB 29 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, SS राजामौली पिछले काफ़ी समय से अपनी नवी मूवी को लेकर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने महेश बाबू को कास्ट किया है। फिलहाल मूवी का नाम SSMB 29 रखा गया है। इस मूवी का अभी तक फाइनल टाइटल मिला नहीं है और इनके शूटिंग भी चल रही है। RRR के बाद से SS राजामौली अपने इसी प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। महेश बाबू भी अपने किरदार के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अब इस मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री हो गई है। हाल ही में एक खबर आई है कि इसमें विलन का रोल प्ले करते हुए पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आने वाले हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस मूवी में महेश बाबू से बड़ी टक्कर करने जा रहे है। इस मूवी के लिए पृथ्वीराज सुकुमार ने फिल्म साइन कर ली है और पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार की अपनी एक अलग कहानी रहेगी जो उसे जस्टिफाई करती है और प्लॉट में ट्विस्ट लेकर आएगी। पृथ्वीराज सुकुमारन इस मूवी को लेकर बेहद ही एक्साइटेड है क्योंकि महेश बाबू और SS राजामौली के साथ ये उनकी पहली मूवी रहेगी। SS राजामौली अपनी इस मूवी को असली जंगल और स्टूडियो में शूट करेंगे। फिल्म के लिए SS राजामौली ऐसा सिनेमेट्रिक एक्सपीरियंस और विजुअल क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं जो अब तक भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी फिल्म ने नहीं देखा होगा। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि SSMB 29 में रामायण के भी कुछ एलिमेंट होंगे और महेश बाबू के किरदार की कुछ चीजें भगवान हनुमान से मिलती जुलती होगी, पर अब सब फाइनल तो मूवी आने के बाद ही पता चलता है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए पी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।